महिला के साथ नकली आईबी ऑफिसर बनकर धोखाधड़ी करने वाले दो युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला को करते थे ब्लैकमेल। वार्ड क्रमांक 3 खजरी स्थित शराब दुकान को हटाने क्षेत्रवासियों ने किया आंदोलन। क्षेत्रवासियों के समर्थन में आए कांग्रेस व भाजपा के पदाधिकारी। श्री रामनवमी पर्व पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने हिंदू उत्सव समिति की हुई बैठक। राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं ने लिया हिस्सा। और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने खोला मोर्चा। नोनिया में जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशी मावरा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा निवासी एक महिला के साथ नकली आईबी ऑफिसर बनकर धोखाधड़ी करने वाले दो युवकों को छिंदवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले युवकों में एक युवक जबलपुर और दूसरा युवक भोपाल का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो पूरा मामला ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है। महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उसे ब्लैकमेल करके उक्त युवकों ने 1,80,00,000 रुपए से घाट उतार दिया है। महिला ने पुलिस को अपनी आपबीती में बताया कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाए गए और उसके बाद से लगातार उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। महिला की माने तो उसका कहना है कि उसने अपनी पूरी संपत्ति, ज्वेलरी सब कुछ बेचकर ब्लैकमेलरों को पैसे दिए, मगर अब उसके पास कुछ नहीं बचा तो अंततः उसे पुलिस की शरण में आना पड़ा। इस पूरे मामले में छिंदवाड़ा पुलिस का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। न्यायालय ने पुलिस को आरोपियों की 3 दिनों की पुलिस रिमांड दी है। महिला की शिकायत पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ पूरा मामला बताएं? पेशे से एक महिला चिकित्सक के द्वारा पुलिस थाना कोतवाली में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके साथ वर्ष 2017 से एक बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में मनीष कुमार से परिचय हुआ था। परिचय के उपरांत एक हॉस्पिटल डिंडोरी में खोला जाना प्रस्तावित था, जिसके लिए कुछ अमाउंट उसने दिया भी था और उससे उसकी बातचीत होती थी। उसके बाद उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुराचार करके एक कुछ फोटोज जो आपत्तिजनक स्थिति करके खींचे गए थे, उसको लेकर के पिछले 7-8 महीनों से ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, जिसके लिए उसने लगभग 1,80,00,000 के आसपास का अमाउंट अब तक दे चुकी है और दे पाने की स्थिति में नहीं है। जो फ्रॉड करने वाले थे, जो उसे ठग रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, उनमें से एक मनीष कुमार है, दूसरा कुलभूषण सिंह है जो भोपाल का रहने वाला है। ये आईबी का मिस्टर राणा बनकर के बात कर रहा था। चूंकि इनके भाई विदेश में रहते हैं तो उनको फंसा देने की धमकी भी आईबी के राणा के द्वारा, जो मूल रूप से कुलभूषण है, उसके द्वारा दी जा रही थी। दोनों आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, जिसमें अभी और उनके किए गए कारनामों के बारे में पूछताछ चल रही है। वार्ड क्रमांक 3 खजरी रोड स्थित शराब दुकान के विरोध में आज क्षेत्रवासियों व आम जनता द्वारा धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया गया। यह शराब दुकान क्षेत्रवासियों के लिए परेशानियों का कारण बन गई है, जिसे बंद कराने के लिए क्षेत्रवासियों ने यह आंदोलन किया। धरना आंदोलन में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी व भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी पहुंचे और क्षेत्रवासियों की मांगों का समर्थन करते हुए शराब दुकान को बंद करवाने हेतु उनका सहयोग करने की बात कही। वहीं क्षेत्रवासियों ने भाजपा जिला अध्यक्ष को शराब पीकर उत्पात मचाने वालों की शिकायत की, जिस पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने तत्काल पुलिस को इस हेतु कार्यवाही करने की चेतावनी दी। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इसके बाद भी अगर यह शराब दुकान बंद नहीं की जाती है तो आगामी समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। काफी रिटायरमेंट व्यक्ति यहाँ से जो आते जाते बुजुर्ग गुजरते हैं, माता बहने यहाँ से गुजरती हैं, सामने दारू भट्टी को देखकर यहाँ से उनका चलना निकलना दुर्बल हो रहा है। यहाँ कोचिंग क्लासेस चलती है, छोटा सा स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ अध्ययन करते। कमलनाथ जी का एक एक सिपाही, नकुलनाथ जी का एक एक सिपाही हमेशा आपकी हर लड़ाई में आपके साथ है। एक एक मात्र शक्तियों की लड़ाई में, मेरे बड़े भाइयों की लड़ाई में, मेरे बुजुर्गों की लड़ाई में, मेरे एक एक बच्चों की लड़ाई में हम हमेशा आपके साथ थे, हमेशा आपके साथ हैं और आने वाले साथ समय में आपके साथ रहेंगे। आपकी इस लड़ाई में हर पल, हर वक्त, हर समय आपके साथ होंगे।
कंधे से कंधा मिलाकर हमारा पूरा कांग्रेस परिवार आपके साथ होगा। यहाँ पर जो शराब पट्टी थी, पहले देशी शराब की दुकान थी, फिर उसके बाद उसको बड़ा करके आता और अंग्रेजी शराब की भी दुकान उसमें खोल रहे हैं। शराब की दुकानें या शराब जो एक सामाजिक बुराई है और निश्चित तौर पर इससे इसके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को परेशानी और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे छिंदवाड़े में बात की जाए तो सबसे अच्छा रहने के लिए अगर कोई ढूंढता है तो शिक्षक कॉलोनी हो गया या इधर खजरी की तरफ अभी नई नई कॉलोनी बन रही है, तो सभी लोग इस क्षेत्र में आकर के निवास करना पसंद करते हैं। सामने विद्यासागर रेजिडेंसी है और भी बहुत सारे यहाँ पर कॉलोनी बन रही है और एक अच्छा माहौल है, सब आपसी में यहाँ पर अच्छे से रहते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ के कारण माहौल ख़राब हो रहा है तो इसमें पूरी तरीके से मैं आप लोग के साथ हूँ। और अगर हम अभी अपने बच्चों को शराब पट्टी के सामने से उसके दुकान के सामने जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके सामने उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और आप लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सही समय पे सही मांग उठाई। अगर आप लोग मांग नहीं उठाते, आप लोग बात नहीं करते तो और वो बढ़ बढ़ करके और आगे बढ़ जाते। आज ये शराब पट्टी हटाने की बात हुई है और बिल्कुल हटना भी चाहिए। मैं प्रशासन को भी आज प्रशासन से निवेदन करूंगा कि अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आपसे बातचीत कर रहे हैं कि ये यहाँ पर ना बढ़ा जाए, इसको हटाया जाए। अगर यह शराब पट्टी खुलती है या चालू होती है तो अभी मेरे पहले किसी ने कहा था निश्चित तौर पर अब प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन कर रहे हैं, कल को हम सब लोग साथ में बैठकर के आंदोलन करेंगे या अन्य कोई रास्ता अपनाना होगा तो रास्ता अपनाएंगे, लेकिन ये शराब पट्टी यहाँ से हटाने का काम। हमने पुलिस भी बुलाई है, सब कुछ करा है और रोड हमारी 20 फुट है, 10 फुट रोड नहीं। यही साहब जरा जी अम्मा जी से बात कर लीजिए, इनके घर के सामने रोज रात में कौन पीके करते हैं नाटक, जरा वहाँ पर आप भिजवाइए, जरा उन पे कार्रवाई करवाइए। यही साहब एक बार बुलवा लो, हम बात कर लेते हैं। आ जाइए इधर, यहाँ से जगह आप भी जाओ, आप दे दो भैया, जाओ इसको ये दुकानें यहाँ से हटाइए, नहीं तो अगर नहीं हटती है आंदोलन होगा, धरना होगा और अन्य कोई स्थिति उत्पन्न होगी तो जिम्मेदारी आप लोग की होगी। क्या साहब आप भी और आप लोग भी इस चीज के लिए जिम्मेदार रहेंगे, यही मेरा निवेदन है। और आप लोग बढ़िया चिंता मत करो, अपने बच्चे के भविष्य हम लोग अच्छा बनाएं, उनको अच्छा पढ़ाएं, यही हम लोग प्रयास करेंगे। मैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी आप लोग के साथ में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत। वार्ड नंबर 3 के क्षेत्रवासी इस शराब भट्टी को हटाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। ये शराब भट्टी बिल्कुल स्कूल के सामने बनाई गई है और सड़क पे बनाई गई है, जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होने लगी है। यहाँ पे आए दिन शराब पीकर लोग सड़कों पर उड़दन करते हैं, जिससे महिलाओं का आना जाना दुभर हो चुका है और यहाँ से जो विद्यार्थी गुजरते हैं उन लोगों को भी गलत संदेश जाता है और गलत शिक्षा जाती है। इसलिए हम प्रशासन से और सरकार सभी से निवेदन करते हैं कि शराब भट्टी को यहाँ से शीघ्र हटाई जाए। और जिसके समर्थन के लिए यहाँ पर हमारे साथ बंटी साहू जी ने भी पूरा समर्थन दिया कि अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से नहीं हटाई जाती है तो यहाँ पे शीघ्र आंदोलन किया जाएगा और इस भट्टी को यहाँ से हटाया जाएगा। मैं सभी मातृशक्तियों और सभी पुरुषों की तरफ से विनम्र फिर से प्रार्थना करता हूँ प्रशासन से, आगे अगर इसको यहाँ से नहीं हटाई जाती शराब भट्टी को तो आगे अगर कुछ घटना बढ़ती है और कुछ उग्र आंदोलन अगर होता है उससे कोई हानि होती है तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा। वंदे मातरम। पट्टी हटाने के संबंध में यहाँ धरना दिया गया है और हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों की लाइफ सिक्योर हो और यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है उसके सामने दारू भट्टी हटाई जाए। क्या क्या परेशानियाँ हो रही है? परेशानियाँ बहुत है, नाइट के समय में दारू पी के उड़दन करते हैं और फिर जब बड़ा बन गए रूप से तो उड़दन हो गए, मोहल्ले में जो लड़कियाँ आती जाती हैं उनका आना जाना मुश्किल हो गया है, तो इसके संबंध में थोड़ा सा कार्रवाई करिए और हम चाहते हैं कि ये सब सामने से दारू भट्टियाँ हटे और इसका बड़ा रूप दे दिया गया है। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा फेस्टिवल सीजन में चलाई गई योजना गोल्डन दिवाली ऑफर का
लकी ड्रॉ 25 मार्च की शाम निकाला गया तथा विजेताओं को उपहार प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मनीष इनानी, ब्रांच मैनेजर सैमसंग, सौरभ रथ ब्रांच मैनेजर वर्लपूल, संदीप गुप्ता एरिया मैनेजर वर्लपूल, सतीश पाटोदी, राजेंद्र पाटोदी, महेंद्र पाटोदी, आशीष पाटोदी, प्रणय पाटोदी, शुभम पाटोदी एवं शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। योजना के प्रथम बम्पर उपहार तनिष्क 10 ग्राम गोल्ड कॉइन के विजेता रहे उमरानाला निवासी अरविंद घोरसे, तो वहीं द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन गणेश विश्वकर्मा एवं तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन संतोष मालवी को प्रदान किया गया। साथ ही 10 सांत्वना पुरस्कार के विजेता बलराम पटले, शाहिद कुरैशी, विवेक पोफली, सुनीता साहू, ललित धुर्वे, नितेश धुर्वे, इजराइल खान, ममता पड़ारकर, प्रबल अग्रवाल एवं संजय रहे। कार्यक्रम के अंत में पाटोदी परिवार के सदस्य शुभम पाटोदी द्वारा सफल आयोजन हेतु आभार प्रदर्शित कर कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पंजीकृत कूपन धारकों को पुनः अनुपम सौगात दी गई, जिसमें आगामी 30 जून तक आप आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी भी उत्पाद की खरीदी करते हैं तो आपको अतिरिक्त डिस्काउंट प्रदान किया जाएगा। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे परिवार की हमेशा कोशिश रही है कि हम आपको बेहतर सर्विस एवं कम दाम में बेस्ट से बेस्ट सामान उपलब्ध करा सके। आपका जो विश्वास हमारे को पिछले 62 वर्षों से निरंतर मिला है, हम उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम वादा करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी हम आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट एवं सर्विस लाने में हमेशा अग्रसर रहेंगे। हम चाहते हैं आप सभी अपना आशीर्वाद एवं साथ हम सब के साथ बनाए। आप निकाल लो, ले मिक्स कर लो। हमारी पहली कस्टमर जो आज यहाँ से सम्मानित हो रही हैं, सेंटर में जाइए, ठीक है, जो इतनी दूर से ये हमारे बीच में उपस्थित। जोरदार तालियां फिर से एंजॉय करिए शाम को। और आपकी तालियों के बीच में मैं बुला रहा हूं 2 ग्राम के कॉइन के विजेता श्री संतोष मालवी जी हुसैन, और आप सभी की तालियों के बीच, बजती हुई तालियों के बीच मैं आमंत्रित कर रहा हूं। बजती हुई तालियां मतलब तब तक ताली बजेगी तभी अनाउंस करूंगा मैं। श्री गणेश विश्वकर्मा पीजी कॉलेज रोड नया महल बाजार छिंदवाड़ा, क्या बात है, आइए। बताइए एक बार जोर से, और ताली बजती रहेगी। और पहला पुरस्कार जो जा रहा है हमारी स्कीम को, जिस जो 23 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में हमारे आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब इतवारी बाजार छिंदवाड़ा, शोम इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा द्वारा जो स्कीम आयोजित की गई थी, यह प्रतियोगिता जिसमें किसी ने लगा दिया यहाँ से फोन। अरविंद जी बोल रहे हैं? अरविंद जी कहाँ रहते हैं? अभी आप कहाँ हैं? अच्छा, आपने गोल्डन स्कीम में कुछ परचेज किया था क्या? आपने पहला प्राइज जीता है 10 ग्राम गोल्ड।
तालियां। हाँ भैया, अरे नहीं ऐसे आपने ही जीता है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप स्पीकर फोन में हैं अभी, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज जो प्रतियोगिता हमने 23 अक्टूबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक के गोल्डन कॉइन ऑफर के नाम से आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब अचवारी बाजार एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर और छिंदवाड़ा में प्रारंभ करी थी, आज उसका पुरस्कार वितरण समारोह था एवं बहुत ही आनंद के साथ वह समारोह सम्पन्न हुआ। इसमें प्रथम पुरस्कार विजेता श्री अरविंद बोरसे उमरनाला निवासी, गणेश विश्वकर्मा छिंदवाड़ा निवासी एवं संतोष मालवी छिंदवाड़ा निवासी को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं साधुवाद देता हूँ। आज हमारी फर्म आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब इतवारी बाजार और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर और छिंदवाड़ा की दिवाली 2021 में निकाली गई गोल्डन ऑफर दिवाली ऑफर स्कीम, इसमें प्रथम पुरस्कार 10 ग्राम गोल्ड, सेकेंड पुरस्कार 5 ग्राम गोल्ड और थर्ड पुरस्कार 2 ग्राम गोल्ड का ड्रॉ होटल जेपी इन लॉन में सभी सम्माननीय ग्राहकों की उपस्थिति में निकाला गया, जिसकी पुरस्कारों की घोषणा भी यहां लॉन में की गई है। मैं उन सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरे समस्त ग्राहकों को, हमारे समस्त ग्राहकों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे पर इतना विश्वास दिलाया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपने क्या खरीदा था? हम नया बेल बाजार जी कॉलेज रोड नया बेल बाजार और LCD लिए थे। क्या पुरस्कार मिला आपको? 5 ग्राम वो गोल्ड मिला है सोना। श्री रामनवमी पर्व को लेकर आज स्थानीय चारफाटक स्थित श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर में हिंदुत्सव समिति की विशेष बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के सदस्य शामिल हुए और कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने हेतु चर्चा की। वहाँ पे पताका बनाना और फिर पताका को लगाना, झंडे तैयार करना, झंडे को वहाँ तक लगाना, भराई पूरा क्षेत्र, अकबर चौक क्षेत्र, पोलर ग्राउंड का वो पूरा क्षेत्र वो मेरे जिम्मे रहता है। शिव मालवी जी जो लेते हैं वो अमित ठेके चौक से लेके शिवगी रोड तक, कुंडीपुरा थाने तक और नरसिंहपुर रोड तक ये क्षेत्र लेते हैं। संतोष राय जो है वो इंदिरा किराए से लेके फरासिया रोड तक उस क्षेत्र में साथ सज्जा का जिम्मेदारी लेते हैं। सजा सकें कैसे उसको राममय कर सकें। 10 अप्रैल को हमारी सभी छिंदवाड़ा शहर के मठ मंदिरों में दो पहिया और चौपहिया वाहनों से यहाँ पहुँचेंगे। श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर चार फाटक से रैली प्रारंभ होकर गुरुद्वारा के सामने से, रेलवे स्टेशन के सामने से, गांधीगंज के अंदर लाइब्रेरी के पास से, सनीचरा बाजार, ज्ञान प्रागे, राम मंदिर के सामने से होते हुए पुराना नरसिंहपुर नाका के पास से, रामबाग से, लालबाग चौराहा से, कॉलेज रोड, हनुमान मंदिर, सागर पेशा होते हुए ऊंट खाना प्लस अलका टाकी के सामने से तिलक मार्केट से ज्ञान टाकी, दुर्गा चौक से पुराना पावर हाउस, बड़ी माता मंदिर के सामने से श्री राम मंदिर, छोटी बाजार से मेन रोड, गोलगंज, फवारा चौक से जेल की राह से होते हुए अमित ठेके चौक के सामने से मोहन नगर होते हुए सस्ती माता मंदिर से फौजी साइकिल स्टोर के बाजू से मेन रोड गुलावरा पहुंचकर नीलकंठेश्वर मंदिर से जवाहरशाला के सामने से विद्यासागर चौक, पानी टंकी, दीनदयाल पार्क, पुरानी सब्जी मंडी के सामने से होते हुए अनगढ़ हनुमान मंदिर के सामने से बीकानेर मिष्ठान के सामने से होते हुए बुधवारी बाजार, पार्टी जाके होते हुए राजपाल चौक। बंधुओं क्या होता है, रास्ते में रैली खंडित होती है, हमने अपने स्टॉल लगाए, स्टॉल की व्यवस्था हिंदुत्व समिति करेगी, अपनी अपनी सामग्री वहां ले जाके और वितरण का काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। रास्ते में जो लोग स्वागत करना चाहते हैं सुझाव देंगे और ऐसा सभी से सहयोग की अपेक्षा रखते हुए मैं महिलाएं ऑरेंज साड़ी पहनती है
तो हम विश्वास दिलाते हैं इस कार्यक्रम समिति को कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होंगे और कार्यक्रम हमारा हिंदू उत्सव समिति का है, बहुत अच्छे से हम संपन्न कराएंगे। और गंभीर भैया घर के सामने आते हैं राम मंदिर, वहाँ एक सबसे पहला वो होता है। दूसरा होता है लालबाग चौगड्डे पे, जैसे ही हम पहुंचते हैं लालबाग चौक तक ये सजावट नहीं हो पाती तो शैलू सिंगर जी कहाँ गए? ये जवाबदारी आप अपनी पूरी टीम के साथ में सजाएं। इस बार पहली बार इस बैठक में शामिल हुई हूँ और बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे आज इस बैठक में दो शब्द बोलने का भी मौका मिला और इस बैठक में भी शामिल होने का मौका मिला। मुझे जो भी जवाबदारी दी जाएगी, क्योंकि अब तक हर बार ये उत्सव बहुत ही शानदार ऐतिहासिक था और अब रामनवमी राम भगवान का जन्म उत्सव जब हम मनाएंगे तो वो भी ऐतिहासिक होगा। हर बार छिंदवाड़ा एक गौरव के रूप में अपनी इस उत्सव को मनाते आया है, हम सभी जानते हैं, और ये दो वर्ष के बाद ये हम मनाने जा रहे हैं। दो वर्ष पहले जब ये रैली निकाली गई थी बिच्चू भैया, बहुत सारे लोगों को ये बात याद होगी। शहर में जगह जगह चौराहे हैं हमारे, अगर हम एक एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं को एक एक चौराहा डेवलप करने के लिए दे देते हैं तो उससे हिंदू उत्सव समिति का भी थोड़ा काम कम होगा और उस चौराहे की साज सज्जा बढ़ जाएगी। मैं धोबी श्रद्धा से अपने व्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को कुछ खिलाना चाहते हैं, वो यदि वहाँ प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हिंदू उत्सव समिति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन छिंदवाड़ा शहर में करने जा रही है और उसी को लेके आज एक बहुत बड़ी बैठक स्थानीय दादाजी धूनी वाले मंदिर प्रांगण में रखी गई थी, जिसमें सभी राजनीतिक दल के लोग और सभी समाज के लोग, सभी विचारधारा के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी ने मार्गदर्शन दिया, सभी ने सहयोग की घोषणा की। हिंदुत्व समिति आगामी 10 अप्रैल को एक विशाल भव्य मोटरसाइकिल एवं वाहन रैली का आयोजन प्रतिवर्ष करती है, इस वर्ष भी करने जा रही है। पूरे शहर में भगवा तोरण, भगवा पताका लगा के विद्युत साज सज्जा के साथ और शहर को राममय करने का काम हिंदुत्व समिति द्वारा इस वर्ष भी किया जाएगा। उसी विषय को लेके आज यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी और बड़ी संख्या में राम भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और आगामी 10 अप्रैल को किए जाने वाले इस एक धार्मिक आयोजन को सफल बनाने की अपील सभी धन प्रेमी बंधुओं से करता हूँ। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली है, अब जिस कालखंड में पैदा हुए उसे भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। मैं नवरात्र की बहुत बहुत अभी से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हिंदू उत्सव समिति को कि छिंदवाड़ा में राम जन्म उत्सव का जो रैली निकलती है वो ऐतिहासिक है, मध्य प्रदेश के अंदर में ऐतिहासिक रही और इस बार हमारा ये प्रयास होगा कि ये देश में ऐतिहासिक उत्सव हो छिंदवाड़ा का और इसलिए छिंदवाड़ा के सभी जो राम भक्त है सारे हिंदू समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी रामनवमी के दिन इस उत्सव में सम्मिलित होकर और भगवान श्री राम का कीर्तन भी करेंगे, भजन भी करेंगे, स्मरण भी करेंगे और इस उत्सव को बहुत भव्य बनाएंगे। समाज के सभी वर्गों से मैं आग्रह करता हूँ कि हम सब सहयोग प्रदान करके इस बस रामनवमी को, छिंदवाड़ा के रामनवमी उत्सव को ऐतिहासिक बनाएंगे। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। हिंदू उत्सव समिति द्वारा सन 2010 से निरंतर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में सभी सनातन परंपरा के जो अनुपालक हैं वो सभी इसमें भाग लेते हैं और बड़े आनंद से भगवान का उत्सव मनाते हैं। हिंदू उत्सव समिति ने प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी, क्योंकि दो साल कोरोना में कार्यक्रम नहीं हुआ, इस वर्ष भी श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर से 10 अप्रैल को मोटर वाहन जो हमारी रैली प्रतिवर्ष निकलती है वो निकलेगी, उसके आमंत्रण, उसके सभी पर्चे कुछ सीमित मात्रा में दे दिए गए, रूट बता दिया गया है, भव्य साज सज्जा की जाएगी। इस बार जो स्टॉल लगाते हैं वो स्टॉल या तो दशहरा मैदान में लगाएं या दादाजी धूनी वाले मंदिर में लगाएं, इस प्रकार का निर्णय भी
बैठक में आज हुआ है। मातृशक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रहेगी और मातृशक्ति की सहभागिता के लिए उनका ड्रेस कोड इत्यादि भी तय किया गया है, जिसको वे स्वयं अवगत कराएंगे। आज की इस बैठक में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी संगठनों ने जो सहयोग दिया है, साथ ही साथ हमारे राजनीतिक दल के नेताओं ने भी जो सहयोग दिया है, और आने वाले समय में भी हमारे कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी सांसद अथवा हमारे जो भाजपा पक्ष के जनप्रतिनिधि हैं, हम प्रभारी मंत्री जी हैं, सबसे हम लोग इसमें उपस्थिति का भी आग्रह करेंगे और उनसे जो सहयोग होगा वो सहयोग भी हम प्राप्त करेंगे। आज हिंदू उत्सव समिति द्वारा आज के इस भव्य कार्यक्रम में, कार्यकर्ताओं की बैठक में सभी वरिष्ठ, सभी राजनीतिक दल इकट्ठे हुए। पिछले 11 वर्षों से यह हिंदू उत्सव समिति के द्वारा श्री राम भगवान का श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, बड़ी भव्यता से मनाया जा रहा है। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि पूरा छिंदवाड़ा राममय हो जाएगा, क्योंकि सब जगह पूरी तैयारी चल रही है। हर घर में झंडे लगेंगे, हर घर में रोशनी होगी और हर चौक सजाया जाएगा। हर राजनीतिक दल और सामाजिक दलों ने अपना सहभागिता दर्शाते हुए एक एक चौक, एक एक लाइन गांव पूरे शहर की ले लिए। हमने भी श्याम टैकिज की लिए है ना। तो ये जो राम श्री राम जन्मोत्सव है, यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और भव्य शोभा यात्रा निकलेगी और सब लोग इसमें मिलकर, सब नारी शक्ति भी, हमारे युवा साथी भी, हमारे सभी राजनीतिक दल और सभी राजनीतिक नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। जो आएगा उसका स्वागत है और इसको भव्यता प्रदान की जाएगी और सब शहर से इसमें भाग ले रहे हैं। आज हिंदू उत्सव समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामनवमी उत्सव को लेकर आज यहाँ पे दादाजी दूधी दरबार में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में आज निर्णय लिया गया कि रामनवमी में महिलाएं, पुरुषों के साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। मैं निवेदन करती हूं पूरे जिले की महिलाओं से कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सारी महिलाएं एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं, और सारे भाइयों से भी निवेदन करूंगी कि यह हिंदू उत्सव समिति का जो कार्यक्रम आयोजन कर रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। 10 अप्रैल को हम लोग रामनवमी उत्सव मनाने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आज उसकी एक बैठक सम्पन्न हुई है रामनवमी महोत्सव के लिए, और उसे ऐतिहासिक बनाने के लिए हर पार्टी के लोग, हर समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक बड़ी रूप में मीटिंग हुई है। और इस कार्यक्रम को 10 अप्रैल को हम इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक कार्यक्रम करेंगे, ऐतिहासिक रूप देंगे। उसके लिए मैं समस्त जिलेवासियों की पूरी एक एक जनता से, एक एक मातृशक्ति से निवेदन करती हूँ कि उस दिन अपने घर के सारे कामकाज छोड़कर अपने घर में एक दीप प्रज्वलित करें, अपने घर में एक झंडा लगाएं और अपना जो कीमती समय है वो उस रैली में लगाएं। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ व क्षेत्रीय कांग्रेस नोनिया करबल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ नोनिया में विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के साथ साथ खाद्य पदार्थों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज कराया। महंगाई के खिलाफ आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष फिरोज खान, सुरेश कपाले, महेश गढ़ेवाल, जुबेदा बी, सविता ठाकुर, महादेव सातपुते, अशफाक कुरैशी, शानू कुरैशी, सुनीता ठाकुर, इरफान मंसूरी, विनोद सूर्यवंशी, उषा राउत, आलोक गायकवाड़ सहित बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित रहे। आज नोनिया करबल में नोनिया नगर कांग्रेस कमेटी, क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के और एवं झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सही तत्वाधान में आज यहाँ बढ़ी हुई महंगाई के विरोध में, गैस के दाम के विरोध में, पेट्रोल के दाम के विरोध में, डीजल के दाम के विरोध में, खाने के तेल के दाम के विरोध में, दाल, चावल, गेहूं के दाम के विरोध में एक धरना प्रदर्शन नोनिया करबल में किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा गैस सिलेंडरों पर जो घरेलू गैस है उसमें 50 रुपये और डीजल और पेट्रोल पर लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है,
उसके विरोध में क्षेत्रीय कमेटी नोनिया करवाला झुग्गी झोपड़ी पहुँच के हमारे जिले की और नगर की महिला और पुरुषों की टीम ने आज प्रदर्शन किया। देश के प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति महोदय से प्रदर्शन के माध्यम से मांग की है कि तत्काल जो मूल बढ़ाए गए उन मूलों को तत्काल वापस लें, और वापस नहीं लिए जाते तब तक पूरे जिले भर में और शहर भर में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रदर्शन किए जाएंगे और देश के सरकार को मजबूर करेंगे कि जो दाम बढ़ाए गए हैं उन दामों को आप कम करें, और अगर दाम कम नहीं होते तो लगातार कांग्रेस पूरे देश में और जिले में और पूरे शहर में प्रदर्शन करेंगे। विगत 17 दिनों से जेल बगीचा में बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज पांडुना के विधायक नीलेश उइके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे, जिनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए पांडुना विधायक नीलेश उइके को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा व अपनी बातें रखी। वहीं पांडुना विधायक नीलेश उइके ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ के सामने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात रखने की बात कही एवं मांगे पूरी करवाने हेतु हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लोग मांग कर रहे हैं, इसे आप लोगों की मांग को पूरी वो जायज है और मांग को जल्द से जल्द पूरा करें, अन्यथा आने वाले समय में माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम आप ईंट से ईंट बजाने का काम और सरकार को घेरने का काम करेंगे। आज 17 दिन आप लोगों के हुए हैं, सरकार अभी आप लोगों की सुन नहीं रही है। आने वाले समय में हम कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी आप लोगों का पूरा ढाल बनकर आप लोगों की आवाज को लड़ने का काम करेंगे। आज वासुदेव शर्मा जी आप लोगों के बीच में, कमलनाथ जी नकुलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे और जो आप लोगों की जो मांग है हम पूरी ताकत के साथ आप लोगों का समर्थन, मुख्यमंत्री जी को जगाने का काम आप लोगों के साथ लड़ने का काम करेंगे। आप लोग यहाँ आप लोगों ने जो मान सम्मान हमें दिया इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में फिर आप लोगों के साथ जय छिंदवाड़ा। आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और हमारा 17वां दिन है। आज हमारे पांडुना से माननीय विधायक महोदय जी हमारे पंडाल में आए और बहनों का मनोबल और हौसला बढ़ाया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो हमारे 17वें दिन के अनिश्चितकालीन धरने के स्थल पर आए और बहनों को एकदम कहा, हिम्मत दिया कि हम आपके साथ हैं और आपकी मांगे जो पूरी जायज है और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक पहुँचेंगे, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। छिंदवाड़ा जिले में हमारे जिले की आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका विगत 17 दिनों से अपने विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठी है, पर मुझे दुख है कि मध्य प्रदेश सरकार इनके मांगों को सुन नहीं रही है। जो मांग हमारी बहनों ने की है निश्चित रूप से बहुत जायज मांग है और हम माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी के निर्देश पर आज इनके समर्थन में आए और इनकी आवाज़ को हम पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ छिंदवाड़ा से लेकर विधानसभा तक उठाने का काम करें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ की अनुशंसा पर दीपक यादव को विधानसभा प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया है। जिला कांग्रेस भवन में आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ उक्टे ने उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए बधाई दी। इस अवसर पर विधायक नीलेश उइके, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू यादव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष एकलव यहाके, आतिश ठाकरे, पवन सक्सेना के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे और दीपक यादव का फूल माला से स्वागत करते हुए बधाई दी। हमारे सबके नेता माननीय कमलनाथ जी और हमारे जिले के सांसद अनिल नकुलनाथ जी के निर्देश पर युवा कांग्रेस छिंदवाड़ा विधानसभा में आज हमारे युवा साथी दीपक यादव जी को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, जिला वे कांग्रेस के अध्यक्ष एकलव्य एके जी की ओर से और सभी वरिष्ठ जनों के सहयोग से दीपक यादव जी को छिंदवाड़ा विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। मैं दीपक यादव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनसे अपेक्षा करूँगा कि जिस उम्मीद के साथ आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है युवा कांग्रेस में नए सदस्यों को जोड़ने की और साथ साथ युवाओं को जोड़कर एक बड़ा समूह माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में पूरे जिले में बनाना है, छिंदवाड़ा विधानसभा बनाना है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, आगे अच्छा काम करें, हमारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। आज हम सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी
और हमारे लाडले युवा सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी ने जो भरोसा करके मुझे छिंदवाड़ा विधानसभा युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया है, और हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय जी युवक कांग्रेस के प्रभारी प्रवल सक्सेना जी, एन जी ओ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी, आदेश ठाकरे जी, पंकज शुक्ला जी, अंकू यादव जी, विक्रम आके जी, निलेश उइके जी, विनोद खान जी, और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। एक लाभ आके जी युवक कांग्रेस के और आने वाले समय में हम जिस दृष्टि से पंचायत चुनाव और निगम चुनाव को देखते हैं, आने वाले समय बहुत अच्छे एक युवाओं की टीम छिंदवाड़ा विधानसभा में खड़ी करेंगे, और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के आदेश अनुसार एक छिंदवाड़ा में मजबूत टीम बनाकर 2023 में माननीय कमलनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी आशा के साथ मैं कमलनाथ जी को आश्वस्त करता हूँ कि हम बहुत बड़ी टीम के साथ आपको मध्य प्रदेश में फिर से मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के समिति कर्मचारी अपनी वेतन संबंधी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। धरना स्थल पर आज समिति कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम सब एक है। इंतकार नहीं उद्धार, इंतकार नहीं उद्धार, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर हड़ताल की जा रही है, जिसमें विगत वर्ष फरवरी में 14 दिन की हड़ताल हुई थी। उसमें शासन प्रशासन ने लिखित तौर पर समझौता किए थे कि 45 दिन के अंदर में आपकी मांगों का निराकरण किया जाएगा, किंतु आज दिनांक तक मांगों का निराकरण नहीं हुआ। इसलिए प्रदेश प्रतिनिधि मंडल और पूरे कर्मचारी आक्रोशित है। इस महंगाई को देखते हुए आज की डेट में महज 8 से 10 हजार रुपए तक वेतन दिया जा रहा है। इसमें इस महंगाई के में परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है। इसलिए जब तक शासन प्रशासन हमारा वेतन संबंधी मांगों का निराकरण नहीं करता है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। मैं गोविंद गुप्ता, जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से आगामी 28 एवं 29 मार्च को 2 दिवसीय धरना कार्यक्रम की जानकारी दी गई। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उनके द्वारा यह धरना दिया जा रहा है, जिसके बाद भी प्रशासन ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो आगामी दिनों में संगठन उग्र आंदोलन करेगा। आशा उषा संगठन मध्य प्रदेश की जिला अध्यक्ष श्रीमती मंजू कुशवाहा, मैं हम लोग यहाँ पे सभी आशा उषा बहनों की तरफ से सूचना प्रदान करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने 4 तारीख को जो ज्ञापन दिए थे यहाँ पर, और 7 और 8 तारीख को भोपाल में जाकर धरना प्रदर्शन किए थे, उन मांगों को अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हुई है, उनको अनदेखा कर दिया गया है। इसी विषय को लेकर के हम लोग यहाँ फिर से कलेक्ट्रेट ऑफिस में सूचना देने के लिए उपस्थित हुए हैं। 28 और 29 तारीख को कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने हम लोग फिर से 2 दिन का फिर से धरना प्रदर्शन कर देंगे। लेकिन अगर इसको लेकर के अभी भी सरकार ने, शासन प्रशासन ने अगर हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो हम लोग के सभी आशा उषा बहनों जिले की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उत्कृष्ट विद्यालय में मंडल द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा का मूल्यांकन कार्य 5 मार्च से लगातार जारी है। मूल्यांकन कार्य में 650 शिक्षक सहयोग दे रहे हैं, जिसमें 75% मूल्यांकन कार्य संपन्न हो चुका है। उम्मीद है मंडल द्वारा निर्धारित समयावधि में मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। दिनांक 5 तारीख से मंडल द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हुआ है, और वर्तमान में 650 शिक्षक इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं, और 75% मूल्यांकन कार्य हो चुका है, और मंडल द्वारा दी गई निर्धारित तिथि तक यह कार्य पूर्ण कर लिया गया।
जिले में साहित्य संगीत एवं संस्कृति को समर्पित संस्था युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच द्वारा हिंदी प्रचारणी में 3 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह सुर बसंत का आयोजन किया गया है, जिसके दूसरे दिन 25 मार्च की शाम गोवा से आई पंडित संजीव अभ्यंकर जी की शिष्या मुग्धा गांवकर ने शास्त्रीय गायन की प्रस्तुतियां दी। साथ ही बनारस से पधारे पंडित शुभ महाराज जी द्वारा एकल तबला वादन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह, कार्यक्रम अध्यक्ष संगीत गुरु रामता सोनी जी एवं बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। मुझ पर जो आपकी आशीर्वाद है, मुझ पर जो आपने ये कृपा की है कि इतने रात में आप लोग तबला सुनने के लिए, इसके बाद कोई कार्यक्रम भी नहीं है, तो ये पक्का है कि आप लोग तबले के प्रेम में बैठे हैं। सूरपसंत या महोत्सवामध्ये आज मला आमंत्रित केलं आणि या निमित्ताने छिंदवाडा या गावी मी पहिल्यांदाच पोचले। फार सुंदर आयोजन केलेलं आहे युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंचच्या सगळ्या सदस्यांनी। मी प्रस्तुतीकरण करण्याआधी बोलले, तसंच कलाकारांनी कलाकारांसाठी केलेला हा कला उत्सव आहे असं म्हणायला हरकत नाही, कारण इतकं सुंदर पद्धतीने ह्याचं आयोजन केलेलं आहे, एक वेगळं अनोखं। कारण मोठमोठे महोत्सव होतात, पण मी म्हणेन की कलाकारांचा जो एक कलेचा वेगळा टच असतो तो इथे बघायला मिळाला। त्याचबरोबर प्रत्येक गोष्ट बारकाईने, हिरीरीने आणि उत्साहाने करणं हा खूप महत्त्वाचा गुण इथे बघायला मिळाला। त्याबरोबर हा माहोल, म्हणजे आजकाल मोठ्या महोत्सवामध्ये बरेचसे महोत्सव हे थिएटर्समध्ये होतात, त्यामुळे सगळी बैठक जी असते ती काळोखामध्ये असते आणि खुर्च्यावर असते, पण खूप छान वाटलं इथे भारतीय बैठकीमध्ये हा कार्यक्रम आहे, आल्या आल्याच माहोल तयार झाला। आणि नक्कीच अकॅडमीचे स्टुडंट आणि सगळे रसिक हे कानसेन आहेत, फक्त नंबर्स नाही आहेत तर सगळे गुणी ऐकणारे असल्यामुळे फारच मजा आली।
आणि मला नक्कीच आवडेल इथे पुन्हा यायला. धन्यवाद. जिले में साहित्य संगीत संस्कृति को समर्पित छिंदवाड़ा जिले की संस्था युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के द्वारा दिनांक 24 मार्च से त्रिदिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन किया गया स्थानीय हिंदी प्रचारणी में, जिसका आज द्वितीय दिवस 25 मार्च, जिसके अंतर्गत गोवा से हमारे बीच में पधारी मेवाती घराने की शास्त्रीय गायिका मुग्धा गांवकर जी के गायन से कार्यक्रम का पहला चरण प्रारंभ हुआ. और मुग्धा गांवकर जी के द्वारा राग मारू विहाग से कार्यक्रम की शुरुआत की गई. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम कमिश्नर माननीय हिमांशु सिंह जी उपस्थित हुए. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिले के संगीत गुरु रामता सोनी जी ने की. कार्यक्रम के द्वितीय चरण में शुभ महाराज जी, जो कि बनारस से बनारस घराने के तबले के साथ हमारे बीच में उपस्थित हुए, उनका तबला वादन कार्यक्रम के द्वितीय चरण में आज प्रस्तुत किया गया. साथ ही जिले के सभी संगीत प्रेमीजन, युवा संगीत साधक विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने संगीत सभा का आनंद लिया. महर्षि विद्या मंदिर में आज शाला का वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं अभिभावक गण उपस्थित रहे. शाला प्राचार्य गुरमीत सिंह लांबा ने परीक्षा फल के संबंध में जानकारी दी है. जय गुरुदेव. इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट आफ्टर 2 इयर्स ऑफ पेंडेमिक वी आर एबल टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द ऑफलाइन एग्जाम कंडक्टेड. आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ महर्षि विद्या मंदिर एंड द चेयरमैन ऑफ महर्षि विद्या मंदिर टू ईच एंड एवरी पेरेंट एंड स्टूडेंट हु हैव परफॉर्मड वेल एंड ऑल्सो टू कांग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर देयर एग्जाम एंड प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास एंड डोंट गेट डिसहार्टेड बाय द मार्क्स. इट्स जस्ट अ बिगनिंग नॉट द एंड. Have a nice time. All the best for your bright future. Thank you. Jai Guru. धर्मनगरी छिंदवाड़ा में चैत्रवदी नवमी के शुभ दिन सकल जैन समाज ने जैन दर्शन में वर्तमान 24वें प्रथम तीर्थंकर युग प्रवर्तक 1008 आदिनाथ भगवान का मंगलकारी जन्म कल्याणक महोत्सव मनाकर श्री जी का चल समारोह निकाला तथा श्री आदिनाथ भगवान के जन कल्याणक महोत्सव जिनालय में दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के श्रावक श्राविकाओं ने पूजन विधान कर जन्म कल्याणक की खुशियां मनाई. इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां. चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस. महिला के साथ नकली आईबी ऑफिसर बनकर धोखाधड़ी करने वाले दो युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार. महिला को करते थे ब्लैकमेल. वार्ड क्रमांक 3 खजरी स्थित शराब दुकान को हटाने क्षेत्रवासियों ने किया आंदोलन. क्षेत्रवासियों के समर्थन में आए कांग्रेस व भाजपा के पदाधिकारी. श्री रामनवमी पर्व पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने हिंदू उत्सव समिति की हुई बैठक. राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं ने लिया हिस्सा. और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने खोला मोर्चा. नोनिया में जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने किया विरोध प्रदर्शन.
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।